Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher from the Readers, Hafizabad. Today our subject is Mathematics, Class 3, Unit 3, Lecture 2, Exercise 3.2. तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 3, प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं. प्लेस वैल्यू से मुराद एक ऐसा न्यूमेरिकल कंसेप्ट होता है या ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसकी मदद से हम नंबर के अंदर हर डिजिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2. क्वेश्चन ए, व्हाट डज द डिजिट 5 स्टैंड इन ईच केस. नीचे देखिए कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर्स में डिजिट 5 की प्लेस वैल्यू हम फाइंड करेंगे. क्वेश्चन वन है 4765. तो चूंकि 5 जो है वो यूनिट प्लेस पे है इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू होगी 5. क्वेश्चन टू है 8953. तो 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 50. क्वेश्चन थ्री 5980. तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5000. क्वेश्चन फोर है 6745. तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5. क्वेश्चन फाइव 4756. तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 50. क्वेश्चन सिक्स है 7568. तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 500. क्वेश्चन सेवन है 8475. तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5. क्वेश्चन एट है 5909. तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5000. क्वेश्चन नाइन है 7650. 5 की प्लेस वैल्यू होगी 50. क्वेश्चन टेन है 9507. तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 500. नेक्स्ट है क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक बिफोर, बिटवीन और आफ्टर. बिफोर का मतलब होता है पहले, बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में आने वाले, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में आने वाले. यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और कुछ बॉक्सेस को खाली छोड़ दिया गया है. तो उन खाली बॉक्सेस में हम नंबर लिखेंगे. जैसे क्वेश्चन वन है 89 बिफोर में आता है, बिटवीन 90 और आफ्टर 91. यानी अगर दरमियान वाला डिजिट या नंबर दिया हो तो यानी 90 है हमारे पास, तो बिफोर में यानी 90 से पहले जो है वो 89 आता है वो हम बिफोर में लिखेंगे, और 90 के बाद जो है वो 91 आता है उसको हम आफ्टर में लिखेंगे. इसी तरह क्वेश्चन टू है, यहाँ पे बिटवीन पे नंबर दिया गया है 78. अब यहाँ पे बिफोर वाला बॉक्स जो है वो खाली छोड़ा गया है, यानी 78 से पहले आने वाला नंबर जो है हम लिखेंगे. तो 78 से पहले जो है वो 77 आता है, इसलिए 77 बिफोर वाले बॉक्स में लिखेंगे, और आफ्टर यानी 78 के बाद जो नंबर आता है वो आफ्टर वाले बॉक्स में लिखेंगे. तो 78 के बाद आएगा 79. क्वेश्चन थ्री है 248. ये बिफोर वाले बॉक्स में लिखा गया है, इसमें बिटवीन और आफ्टर वाले बॉक्सेस को हमने फिल करना है. तो 248 के बाद जो बिटवीन में आएगा वो होगा 249, और यहाँ पे होगा 250. क्वेश्चन फोर है 378. तो इसके बाद जो नंबर आता है वो होगा 379, और यहाँ पे होगा 380. क्वेश्चन फाइव है, यहाँ पे अब उन्होंने आफ्टर वाला डिजिट दिया है 399. तो इससे पहले आने वाला जो डिजिट है वो लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 398 और यहाँ पे आएगा 397. क्वेश्चन सिक्स है 584. बिटवीन वाले बॉक्स को उन्होंने फिल किया हुआ है, हमने बिफोर और आफ्टर में लिखना है. तो 584 से पहले जो डिजिट आता है या नंबर आता है वो होगा 583, और 584 के बाद जो नंबर आता है वो है 585. नेक्स्ट है क्वेश्चन सेवन, 771. इससे पहले आने वाला जो नंबर होगा वो 770 होगा, और यहाँ पे जो नंबर आएगा 769 होगा. क्वेश्चन एट है 743. तो इससे पहले बिफोर वाले बॉक्स में हम लिखेंगे 742, और आफ्टर वाले बॉक्स में लिखेंगे 744. क्वेश्चन नाइन है 511. तो इससे पहले जो नंबर आएगा वो होगा 510, और उससे पहले जो नंबर आएगा वो होगा 509. क्वेश्चन टेन है 156. तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे 157, और यहाँ पे आएगा 158. क्वेश्चन 11 है 145. तो बिफोर में आएगा 144, और आफ्टर में आएगा 146. नेक्स्ट है क्वेश्चन सी, राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर. ये भी सेम प्रीवियस कंसेप्ट की तरह है. यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, इन नंबर से पहले आने वाले नंबर्स हम लोग लिखेंगे. क्वेश्चन वन है 9998. तो इससे पहले जो नंबर आएगा वो होगा 9997. क्वेश्चन टू है, नंबर है हमारे पास 2000. तो इससे पहले आने वाला नंबर होगा 1999. क्वेश्चन थ्री है 5275.
तो इससे पहले जो नंबर आएगा वो होगा 5274. क्वेश्चन फोर है 7834, तो इससे पहले जो नंबर आएगा वो होगा 7833. क्वेश्चन फाइव 4501, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा 4500. नेक्स्ट है आफ्टर, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स के बाद आने वाले नंबर्स हम लिखेंगे. क्वेश्चन सिक्स है 8945, तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 8946 होगा. क्वेश्चन सेवन है 5999, तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो होगा 6000. क्वेश्चन एट है 6609, तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो होगा 6610. क्वेश्चन नाइन 2749, तो नेक्स्ट नंबर होगा 2750. क्वेश्चन टेन है 8000, तो नेक्स्ट नंबर होगा 8001. नेक्स्ट है बिटवीन, यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स के दरमियान में आने वाले नंबर्स हम लोग लिखेंगे. क्वेश्चन 11 है 6549, तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो होगा 6550. उसके बाद है 6551, तो इन दोनों के दरमियान जो नंबर आता है वो यहाँ पे हम लिखेंगे वो होगा 6550. नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 2999, तो इसका नेक्स्ट जो नंबर होगा वो होगा 3000, और उसके बाद नंबर है 3001. क्वेश्चन 13 4931 और 4933, तो इन दोनों के दरमियान जो नंबर आएगा वो होगा 4932. क्वेश्चन 14 है 6077 और नेक्स्ट नंबर है 6079, तो इन दोनों के दरमियान जो नंबर आएगा वो होगा 6078. क्वेश्चन 15 है 2647 और नेक्स्ट नंबर है 2649, तो इन दोनों के दरमियान जो नंबर आएगा वो होगा 2648. तो स्टूडेंट्स, हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई. नेक्स्ट है होमवर्क, सॉल्व पार्ट ए बी सी ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑन योर बुक्स. इस एक्सरसाइज के तीन पार्ट हैं ए बी सी, हर पार्ट को आप अपनी बुक्स पे सॉल्व करेंगे. थैंक यू.